हेलो एवरीवन सो इन द सीरीज ऑफ ग्रामर वी आर लर्निंग एडवर्ब एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब सो फार वी हैव लर्न अबाउट एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस बोथ द वीडियोस लिंक विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों ही वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस के सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एडवर्ब ऑफ मैनर नाउ वट इज एडवर्ब ऑफ मैनर फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड वट इज एडवर्ब नाउ एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब यूज इन अ सेंटेंस सो ये जो इसका डेफिनेशन है आप इसे याद भी कर सकते हैं जो वर्ब्स हैं एड्जेक्टिव्स हैं इन सब के मीनिंग को जो मॉडिफाई कर देता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं सो टूडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एडवर्व ऑफ मैनर अब मैनर जो वर्ड है इससे ही आपको पता चल जाएगा मैनर मतलब तरीका सो एडवर्ब ऑफ मैनर शोस हाउ समवन डस समथिंग हमें एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे पता चलेगा जब हमें सेंटेंस से ये पता चले कि कैसे किसी इंसान ने किसी चीज़ को कैसे किया है जैसे कि नीटली है ना वेरी diligently तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं और समथिंग happens ओके okay. कैसे कोई चीज़ की जा रही है और कैसे वो चीज़ हुई है वेन वी गेट द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड adverb ऑफ मैनर इट जनरली आंसर्स द क्वेश्चन हाउ आपको कौन से आंसर्स देता है हाउ आप कोई भी सेंटेंस आप लेंगे उसके जो सेंटेंस में आपको जो uh, वो मिलेगा क्या बोलते हैं आंसर्स हाउ से मिलेगा दैट इज what इज एडव ऑफ मैनर जैसे कि हम पहला सीखते हैं ही स्विम्स वेल Now, how does he swim? Kaise swim karta hai? He swims well. So, I will be underlining these words for you. The tree swayed swiftly in the wind. Jo ped hai, aram se. ona swiftly wo sway kar Sway means hilna, in the wind. So, how it is swaying? It is swaying swiftly. So, swiftly is a adverb of manner. She readily agreed to this proposal. ओके हाउ डिड शी अग्री तो कैसे मतलब तुरंत तो आंसर क्या है तुरंत कैसे अग्री हुई भाई हाउ तुरंत रेडीली शी रेडीली अग्रीड टू दिस टू हिज प्रपोजल ही एट माई टिफिन ग्रीडिली हाउ ही एट योर टिफिन ग्रीडीली उसने एकदम लालच से बिल्कुल मेरा सारा टिफिन फिनिश कर दिया ही ईट्स जेंटली हाउ डज ही ईट जेंटली आराम से सी फ्यूरियस शी फ्यूरियसली रैन अवे फ्रॉम द फार्मलैंड ओके फ्यूरियसली यानि एकदम गुस्से से वो वहां से चली गई। हाउ शी रैन अवे शी रैन अवे फ्यूरियसली रोहन रैन ब्लाइंडली डाउनस्टर्स अब रोहन जो है ब्लाइंडली डाउनस्टर्स को रन कर गया हाउ डिड ही रन डाउनस्टर्स ब्लाइंडली बिना कुछ देखे बोथ चिल्ड्रेन कैन रन इक्वली फास्ट हाउ बोथ चिल्ड्रेन कैन रन दोनों बच्चे कैसे दौड़ते हैं इक्वली फास्ट बराबर सो दिस इज हाउ इट एक्सप्लेन द एडव ऑफ मैनर आई होप इट इज क्लियर टू यू थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग